चैप्टर 3 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1 कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। देन ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ब्रैकेट इजेंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते पहले, जो आफ्ताब है वह अपनी डॉटर से कहता है, लिखा ना आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। वो कहता है कि 7 ईयर्स अगो यानी 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उससे मैं 7 टाइम्स, मेरी एज ज़्यादा थी 7 टाइम्स। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को इतने ऊपर पहले समझते हैं, उसके आगे फिर उसको बाकी को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें समझ आए कैसे तरीका क्या है सॉल्व करने इस तरह क्वेश्चन का। अब हमने मान लिया कि प्रेजेंट में, अब जो एट प्रेजेंट, प्रेजेंट हमने मान लिया कि जो आफ्ताब की एज है, लेट्स आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स, हमने मान लिया आफ्ताब की एज एक्स ईयर्स है और उसकी जो डॉटर्स की एज है वह कितनी है वाई ईयर्स है। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहा है, उस सिचुएशन में जाएंगे हम कि इसमें 7 ईयर्स अगो, ये वहाँ कह रहा है ना, ये 7 ईयर्स अगो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स, मैं तुमसे 7 टाइम्स, मेरी एज तुमसे ज़्यादा थी। तो प्रेजेंट एज में हम क्या मानी एक्स आफ्ताब की और उसकी डॉटर की मानी वाई। अब देखिए इसके हिसाब से 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो आफ्ताब की एज क्या होगी एक्स माइनस 7, क्यों, तो अभी की एज कितनी मानी एक्स ईयर्स, तो 7 साल पहले कितना होगा 7 ईयर्स उसे माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की एज अभी 10 ईयर्स है तो 7 ईयर्स पहले कितने साल का होगा 10 माइनस 7, तो जो अभी जो हम एक्स में एक्स वैल्यू है उसमें से जितनी भी हमें मालूम कितनी है उसमें से 7 हमने माइनस कर दिया, तो आफ्ताब की एज 7 ईयर्स पहले यानी 7 साल पहले कितनी थी एक्स माइनस 7 ईयर्स, तो उसकी डॉटर्स की एज 7 ईयर्स पहले क्या होगी वाई माइनस 7। फिर समझिए आफ्ताब की एज अगर प्रेजेंट में एक्स थी, अभी एक्स है यानी कि, तो 7 साल पहले क्या होगी एक्स माइनस 7, उसकी डॉटर की एज अभी अगर हम वाई ईयर्स माने तो 7 साल पहले कितनी होगी वाई माइनस 7 ईयर्स। फिर वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है आफ्ताब क्या बोल रहा है लड़की से कि मेरी एज 7 साल पहले तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी, तो एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7। अब इसमें कई लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 7 को हमने मल्टीप्लाई डॉटर्स की एज में क्यों किया जबकि 7 टाइम ज़्यादा तो आफ्ताब है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है। हमें मान के चलते हैं वहाँ पर एक साइड लिखा हुआ है 6 और इस साइड यहाँ पर लिखा हमने 3। अब देखिए अगर हम कहें कि बीच में इक्वल लगा दें तो क्या ये 6 3 के इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके 2 टाइम्स बड़ा है, तो हम अगर इक्वल लगा देते हैं इक्वल में क्या होता है डॉट इक्वल में चाहिए, तो हमें इस 3, हम किससे समझ आ रहा है इस 6 जो है 3 से 2 टाइम्स बड़ा है, और इक्वल बीच लगा रहे हैं यानी कि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कब हो पाएगा ये जब हम इस साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तभी होगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, जो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी थी एक्स माइनस 7, उसकी लड़की की एज कितनी वाई माइनस 7, अगर बीच में इक्वल लगाएंगे तो इक्वल लगाएंगे तो उसके बाद मतलब क्या होगा इसकी एज 7 टाइम ज़्यादा है, तो हम इक्वल कब माने जाए जब हम इस जो 7 को लड़की की एज में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ जो ATQ दिया है इसका फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर ठीक है, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे एक्स माइनस 7 ये होगी एक्स माइनस 7 और ये 7 इंटू वाई 7 वाई माइनस का माइनस 7 7 49, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 7 वाई प्लस 42 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1।
इसी में क्वेश्चन अगला पार्ट कह रहा है इसी में, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब कह रहा है कि 3 साल पहले लिखा है यहाँ पर, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल पहले आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू। बता कि अभी से 3 साल पहले मैं तुमसे कितना था, 3 गुना ज़्यादा था। तो हम इसको देखते हैं कि सिचुएशन को। अच्छा 3 साल पहले कहा उसने, सॉरी आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ है ना, वो कह रहा है कि अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या रहेगा, अगर अभी की एक्स हम एक्स माने तो आफ्ताब की एज 3 ईयर्स बाद कितना रहेगी, एक्स प्लस 3 ईयर्स, माने किसी की 10 ईयर्स एज है तो 3 ईयर्स बाद कितना रहेगा 13। तो अभी हम कितना एक्स माना है, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 आएगा। इसी तरह इसकी डॉटर की एज अगर अभी वाई है तो 3 साल बाद कितनी रहेगी, वाई प्लस 3 ईयर्स। क्यों ने प्रेजेंट का कितना माना, एक्स और वाई माना, ये देखिए आप लिखा है ना प्रेजेंट का एक्स और वाई। फिर ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या कहा था कि 3 साल बाद मेरी एज तुमसे लड़की से 3 गुना ज़्यादा रहेगी। तो देखते हो एक्स प्लस 3 आफ्ताब की एज, और इधर वाई प्लस 3 उसकी डॉटर या लड़की की एज। अब इसको बीच में इक्वल लगाएंगे क्योंकि कह रहा है कि 3 ईयर्स में तुमसे ज़्यादा जाऊँगा, 3 टाइम्स ज़्यादा जाएगा। तो इस एज में और इस एज में कितने का फ़र्क है, 3 टाइम्स की, 3 टाइम ज़्यादा। तो क्या करें, जो उसकी लड़की उसकी में उसकी एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। फिर समझ लीजिए 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी लड़की की एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो हम इसको बीच में के इक्वल लगाते हैं, दोनों की एज आफ्ताब की लिखते हैं इधर, आफ्ताब डॉटर की। तो इस तो हमें राइट हैंड साइड में कि आफ्ताब की लड़की की एज में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये इक्वल होगी। फिर से सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3 वाई, प्लस का प्लस 3 3 से 9। तो और पूरा सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्वेश्चन समझिए फिर से, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या कहा था उसने लास्ट में, ये सब उसने कहा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मतलब एल्जेब्रा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो। एल्जेब्रा का मतलब होता है या इक्वेशन बना के। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म में तो कर दिया, वो 2 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये देखिए इक्वेशन 1 हो गई, और उसके बाद में सॉल्व किया तो इक्वेशन 2 हो गई। तो हमारा 50% क्वेश्चन पूरा हो गया। अब वो कह रहा है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, हमें उसको क्या ग्राफ बनाना है। क्या बोला क्वेश्चन में, ये देखिए एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हम इसको अब हमारा काम क्या होता है, इसका ग्राफ के फॉर्म में इसको शो करना है। फिर से क्वेश्चन को सही समझ लीजिए, आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है 7 ईयर्स पहले मेरी एज तुम्हारी एज के 7 गुना ज़्यादा थी। फिर कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली यानी कि हमें इक्वेशन के फॉर्म में बताना है और ग्राफ के फॉर्म। तो एल्जेब्रा पार्ट तो पूरा हो गया, इक्वेशन तुमने बना ली, अब ग्राफिकली शो करना है इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो इक्वेशन हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में निकाली थी, इक्वेशन फॉर्म एक्स माइनस 7 बाय प्लस 42 इक्वल्स 0, इक्वेशन 1, वो इक्वेशन 2 थी एक्स माइनस 3 बाय माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू एक्स प्लस 42 डिवाइड बाय 7, और इधर वैल्यू निकालेंगे आएगी एक्स माइनस 6 डिवाइड बाय 3। अब हम रफ कर बताएं कैसा आ रहा है। अब देखिए जो हम इसमें क्या करेंगे, एक एक करके एक्स की वैल्यू हमने एक बार 0 रखी तो वैल्यू 6 आएगी, एक्स की वैल्यू फिर 7 रखेंगे वाई की वैल्यू 7 आएगी, फिर एक्स वैल्यू 35 रखी वाई की वैल्यू 11 आएगी। इधर भी एक्स वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू -2 आई, एक्स की वैल्यू 6 रखी तो वाई की वैल्यू 0 आई, एक्स की वैल्यू 30 रखी तो वाई की वैल्यू 8 आई। अब इसको देखिए कैसे हमने इसको ये वैल्यूज निकाली, इसको रफ में निकाल के देखते हैं। तो बस क्या, एक्स -7 बाय +42 इक्वल्स टू 0। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 7 उस तरफ जाएगा, 7y इक्वल्स टू 42 प्लस x, तो हमारा वाई क्या रहेगा, वाई हो जाएगा 42 प्लस x डिवाइड बाय 7, सब क्या कर देंगे तो हमारी 1 बन गया। अब देखिए हमने क्या किया, एट x इक्वल्स टू 0, हम x 0 रख रहे हैं, देयर फोर y इक्वल्स टू 42 प्लस 0 डिवाइड बाय 7। तो कितना आएगा, 42 प्लस 0 42 अपॉन 7, तो 7 6 जा 42 वैल्यू निकाल ली।
अब ये जो वैल्यू मैंने निकाली है, ये सेम वैल्यू मैंने टेबल बनाया था उसमें सेम आई थी वैल्यू। ये देखिए एक्स 0 रखा तो वाई कितना आया, 6 आया। हम लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 7, वैल्यू अपने कुछ भी रखते हैं, जब मैंने 7 रखा तब लेते वैल्यू क्या आती वाई की, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 42 प्लस, तो एक्स था एक्स को लेकर रखेंगे 7 अपॉन 7, तो कितना रहेगा 42 प्लस 7 49 डिवाइड बाय 7, 7 जा 7, 7 7 जा 49, तो कहा गया 7। तो जो हमारी दूसरी वाली थी वही हम चेक कर लेते हैं। एक्स 7 रखने पे वाई की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए सब ग्राफिक रिप्रेजेंट करें, ग्राफ देखिए हमारा, हम क्या पहले प्लेन करने का ये जो लाइन है ये वाली है एक्स माइनस 3 वाई माइनस 6 जीरो के लिए, और ये लाइन दिख रही है ये एक्स माइनस 7 वाई प्लस 42 को जीरो के लिए। तो पहले हम लिखेंगे किसके लिए निकालेंगे वैल्यू जो हम रखी थी एक्स माइनस 7 वाई प्लस 42 इक्वल टू जीरो, इसमें हमारी वैल्यू क्या आई थी, एक्स हमने जीरो रखा था, देखिए जब एक्स जीरो रखा तो वाई कितना आया 6, तो 0.6 ये पॉइंट मिल गया। फिर जब एक्स 7 रखा तो वाई भी 7 आया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद जो हमने एक्स 35 रखा तो वाई 11 आया, ये होगी वैल्यू। सेम इसी क्वेश्चन में जो हमने एक्स 0 रखा था तो वाई माइनस 2 आया था, ये वैल्यू में हमारे 0.-2। फिर जब एक्स 6 रखा तो वाई हमारे पास क्या आया 0, तो 6.0। ऐसे ही जब एक्स 30 रखा तो वाई 8 आया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो हम ये लाइन मिल गई, देखिए जब पॉइंट्स को मिला दिया तो ये लाइन मिल गई, इधर से ये लाइन मिल गई। अब ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट निकाला है कि 42.12, यानी कि जब एक्स 42 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 12 आ रही है। इसलिए बनाया ये पॉइंट, हम इसलिए निकाले हैं कि यही ऐसे एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन्स कोइंसाइड कराती हैं, दोनों साइड आपस में दूसरे, ये लाइन और ये दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 42.12, यानी कि एक्स की वैल्यू जो 42 होगी और वाई की वैल्यू 12 होगी, तब दोनों एक दूसरे से को इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें अगर चाहते तो सारे सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वीडियो भी लेंथी हो जाएगा और आप लोगों को इसकी समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, इतने अच्छी तरीके से दिया कि अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या और भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए या और क्वेश्चन आप चाहते हैं सॉल्व करके दे जाएं, अगर आप सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो उसको हम अपलोड कर देंगे। थैंक्स।